नमस्कार ओम शांति पाथ ऑफ सक्सेस में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है मित्रों हम अपने इस कार्यक्रम में बहुत सारे वी को लेके आते हैं जिससे डॉक्टर भी कह सकते हैं संस्था के संस्थापक भी कह सकते हैं इंजीनियर आर्मी बहुत सारे ऐसे लोग हमारे इस कार्यक्रम में आते हैं आज हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं डॉक्टर सुषमा जी जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं और उनके बारे में हम जितनी महिमा करें शायद में भी की कम होगी वो एक सोशल सर्विस भी है जिसे कहा जाता है डॉक्टर के साथ साथ वो रूहानी डॉक्टर भी हैं कैसे उनके बारे में मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी जैसे कि हम स्त्री लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, जो डॉक्टर के पास जाती हैं लेकिन अपनी परेशानियां बताने में झिझकाती है चल जाने के लिए चली जाती है लेकिन अपनी बात दिल से कह नहीं पाती है तो डॉक्टर उनको कुछ राय भी देते हैं जब तक हम महिलाएं अपनी बात डॉक्टर को खुले दिल से नहीं बताएंगे तो हमारी जो रोग हैं वो दूर नहीं होंगे जिसे कहा जाता है कि आने वाले समय में वो एक महामारी बहुत खतरनाक बीमारी भी हो सकती है उन चीजों को दूर करने के लिए हम सुषमा जी से बात करेंगे पहले उनके बारे में इतना बता दें कि उन्हें कई पुरस्कारों से निवाजा भी गया है हम गिनती करें तो शायद कम है और देखा जाए कि उन्होंने कई देश विदेश में आ, उन्होंने विजिट किया है जैसे ऑस्ट्रेलिया जापान मलेशिया और भी कई बातें हैं साथ ही साथ अभी आ, वो एक अभी हाल ही में जो कार्य कर रहे हैं वर्किंग ऑफ लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वर्किंग फॉर डोमेस्टिक वायलेंस वर्किंग फॉर सेव द गर्ल चाइल्ड मतलब वो एक जो छोटे बच्चे हैं जो लड़कियां हैं उनको बचाने का बहुत कार्य करते हैं आइए उनको पचपन साल का इस चीज का एक्सपीरियंस है मैं ज्यादा बात करूंगी सिर्फ आप सुनेंगी लेकिन उनकी प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं स्वागत करते हैं अपने डॉक्टर सुषमा जी का पाथ ऑफ सक्सेस में मतलब मेरे जीवन की सफलता की कहानी वो आज दिन तक इस सफलता की कहानी में कैसे सफर करते आए जानने की कोशिश करते हैं। सुषमा जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि हमने आपके बारे में एक मैंने सिर्फ छोटी बात कही है लेकिन आप जो इतने सारे अवार्ड से इतने सारे पुरस्कारों से निवाजे गए मैं आपसे सिर्फ इतना ही पूछना चाहती हूँ कि आपने ये जीवन क्यों चुना जैसे आप सोशल के साथ साथ एक रूहानी डॉक्टर भी हैं इतने सारे आप कार्य कर रहे हैं अभी भी अपना जीवन आपने कार्यरत में संभाला हुआ है कई लोग हैं जो नहीं बस इतना ही करना है हमें इतना ही थक गए हैं लेकिन आप इस एज में भी आप कहते हैं मैं और करूंगी और करूंगी काफी सुनने को आपके बारे में आया है हमें आपने क्यों ये अपना जीवन चुना कि क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं मैं इंजीनियर बनूंगा या मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा या मैं अपना बिजनेस करूंगा आपने सोशल सर्विस को क्यों चुना एक्चुअली आपने पहले तो मैं आपको बहुत थैंक यू बोलती हूँ uh, कविता जी क्योंकि आपने इतनी तारीफ मेरी कर दी जिसके काबिल तो शायद मैं नहीं हूँ मगर फिर भी आई एम जस्ट ए सोशल वर्कअ बॉर्न इन लाहौर फोर्टी फोर में जी, और वहां से हम जब पार्टीशन हो चुका था तब इंडिया में आए माई फादर मेरे पिताजी एजुकेशनिस्ट रहे जी, तो जो एजुकेशनिस्ट होते हैं मेरा ख्याल उनके बच्चों में जो उनके थ्रू चीजें आती हैं जी वो मेरे को भी मिली जी। मैं छोटे होते एक ब्लूबर्ड थी फिर गर्ल गाइड बनी मेरे, मेरे फादर मेरे को बहुत इंकरेज करते थे मैं स्पोर्ट्स में रही मैं जलंधर में मैं अपनी यहाँ की डिस्ट्रिक्ट की बेस्ट एथलीट थी मैंने पंजाब को इंडिया में रिप्रेजेंट किया जी। और मेरा शौक स्टेज पे जाने का डांसिंग का बहुत ही ज़्यादा था मगर एक बार ही मेरे को याद है मेरे मैं तेरह साल की थी मेरे फादर ने मेरे को एक लेटर दी यहाँ पे सब लिखो कि आप क्या पढ़ना चाहते हो तो मैंने लिखा मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ उधर डॉक्टर बनना उधर मेरे शौक बिल्कुल क्लैश करते थे तो मेरे को ये सब चीजें बंद करनी पड़ी मैंने अपना स्पोर्ट्स का चैप्टर डांसिंग का ड्रामेटिक्स का सब बंद रखा जब तक मैं डॉक्टर नहीं बनी हाँ बीच बीच में जब मौका मिला तो करती थी और फिर जो डिफिकल्टीज जिंदगी में आई है ना आई गॉट मैरिड टू जी, you know, जी, मेरे हस्बैंड थे। जी, तो उनकी डेथ करीबन 56, uh, 86 में हो गई बच्चे छोटे थे तो जो डिफिकल्टीज आपको आती हैं, तो यू प्रज्यूम कि भी ये आपके लिए चैलेंजेस है जी, पर दो दो, कुछ लाइफ में बहुत सिंपल सिंपलिसिटी थी जी। मेरे को कभी अपनी लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगा कोई ऐसा मुश्किल नहीं लगी कि ये मैं उसको क्रॉस नहीं कर पाई यहाँ तक कि मेरे को याद है कि जब उनकी डेथ हुई तो चौथे दिन मेरे पेशेंट्स लाइन लगा के वेट कर रहे थे और उस चीज को दुख को भूल के अपने मैं काम में जो कई बच्चे छोटे थे उनको बड़ा किया मगर वो मेरे लिए पिलर्स रहे और उन्होंने मेरे को हर चीज में इनक्रेज किया आपने पूछा कि मेरे इस मुकाम में कैसे पहुंची मेरे मदर फादर और दोनों बच्चे वो मेरे लिए बिल्कुल पिलर्स की तरह थे उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये ना करो ये क्यों कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो और मैं ये सोचती हूँ कि शायद आपका जो सुबह उठ के मेडिटेशन करो अपनी ठीक डाइट लो एक्सरसाइज करो और भगवान आपको रोज ना रोज आपको रास्ता दिखाता जाता है जी. और आपके मन से वो बात निकलती है कि ये बात नहीं करनी जी और जहाँ पे वो नहीं आई तो मैंने उसको माना है okay. है ना जो आपकी कॉन्शियस है आपको अला करती है कुछ करने को तो आप वो करते हो तो सीधा साधा जीवन और आगे बढ़ने की चाह और जो मौका मिला है तो उसको कभी खोना भी नहीं है क्योंकि शायद आप आप करके कई लोग आपको देख के कई कुछ अच्छा कर सकते हैं जी जी। अपनी फैमिली के लिए दुनिया के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही है और नाउ आई एम सेवन एट गोइंटी एट एंड आई फील जो हमारी एवरेज इंडियन एज रही पहले फोर्टी फाइव थी फिर फिफ्टी फाइव हुई फिर सिक्सटी हुई अब सेवनटी है इंडियन

कहानी के बारे में जाना अब जानते हैं हमारा मेन प्रश्न जैसे कि हमारी जो महिलाएं हैं जो लड़कियां हैं जिसके लिए आप स्पेशलिस्ट गिने जाते हैं आ, कई छोटे ऐसी क्लिनिक हैं कई छोटे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं आ, चाहे जेंट्स डॉक्टर बोल लीजिए ले, चाहे लेडीज बोले हम उनके पास जाते हैं तो अपनी बीमारी के बारे में बताते हैं जिसे कई महिलाएं ऐसा कहती हैं नहीं बस ठीक है नॉर्मल है बस हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है वो खुल के अपने दिल की बात नहीं कह पाते हैं उसके बारे में आप महिलाओं को क्या कहेंगे क्योंकि डॉक्टर नॉर्मल एक दवाई लिख के दे देता है एक कहते हैं कि ये एक्सरे कर लो वो कर लो उसके बाद भी हमारी बीमारी नहीं पकड़ी जाती तो आपका क्या कहना है यहाँ पर समझ कुछ औरतों को खुल के बात करने की इजाजत ही नहीं दी गई जी वो सभी की अप्रिंग ऐसी है और औरत को हमेशा यही कहा गया कि जितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो करो।, करो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ एक लड़की है उसको पीरियड्स पीरियड्स आते हैं पे उसको पेन होती है और उसकी माँ कहती है कोई बात है, कोई बात बात नहीं नहीं ये तो जब शादी हो जाएगी, हो, हो जाएगी जाएगी ठीक डिलीवरी हो जाएगी ठीक हो जाएगी वाई नॉट इट्स ये एक इंडिकेशन होती है जिसमें हम एक बीमारी को पहले पकड़ते हैं तो इस तरह जो हमारी जो सोच है लोगों की हेल्थ के बारे में वो बहुत ठीक नहीं है और उसके लिए भी मैं करती हूं मैं लोगों को जागरूक करना है लड़की की बात की लड़की हमेशा ही इंडिया में लड़के से पीछे रही है बेशक उसकी डाइट हो उसको अच्छी डाइट दी जाती है तो कहते नहीं नहीं ये तो जल्दी से बढ़ जाएगी है ना सो ये सोच है फिर उसकी पढ़ाई भी हम बेशक क्योंकि हम इन जगहों पे रहते हैं जहाँ पे लोग फॉरवर्ड है कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे भी अभी भी लड़की की पढ़ाई पीछे रह जाती पीछे है, है। हालांकि गवर्नमेंट की बहुत कोशिश है कि हर बच्चा पढ़े मगर उसको तो घर के काम के लिए लगा दिया जाता है कि चलो लड़का ज्यादा पढ़ जाएगा ये तो कमाएगा अभी भी सोचा कि मेरा लड़का ही मेरी केयर करेगा जब मैं बूढ़े बुड़, हो जाऊंगे सो हमने अपनी जो सोच है उसको थोड़ा सा बदलना वो आप कैसे so, वो हम अपने अवेयरनेस क्योंकि मैं कई कॉलेजेस को स्कूल्स को लुक आफ्टर करती हूँ और उसमें मेरे को कभी भी मौका मिलता है तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ वॉल्टियर्स हों है ना और मेरे को कोई भी मौका मिलता है तो मैं कहती हूँ कि आप सबसे पहले जब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो तो साथ साथ में अपनी सेहत का भी ख्याल रखो ये जरूरी नहीं कि आप बीमार हो वो तो डॉक्टर के पास जाओ आप अच्छे भले हो तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना है फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है वो बढ़ रही है उसका हाइट कितना है उसका वेट क्या है उसकी सोच क्या है उसकी प्रॉब्लम्स है टू टो हमारे सिर से मैं करती और तक, क्या, तो, नहीं दुखता, तो नहीं आते कमजोरी तो नहीं लगती तो, तो नहीं धड़कता सांस ज्यादा तो नहीं चढ़ता आपको वीकनेस तो नहीं लगती ये बात उससे कभी पूछी ही नहीं गई बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए जब मैं कभी भी स्कूल में जाती हूँ और अगर सोच लीजिए वहाँ पे हजार बच्चे बैठे हैं तो मैं पूछती हूँ की अच्छा बच्चों किस किस का पीठ दुखती है तो आधे बच्चों की पीठ दुख रही होती है आपका किसका सिर दुखता है जिसका 25 का सिर दुखता है सो so, इस तरह हमने उन पे ज्यादा काम किया ही नहीं है सो आई फील गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है उन्होंने एडोलेसन प्रोग्राम शुरू कर दिए बट फिर भी हमको बहुत वॉल्टियर्स चाहिए तो क्योंकि थाउजेंड्स की संख्या में हमारे बच्चे हैं एंड नॉट ओनली गर्ल्स बॉयज बॉयजो उनकी भी प्रॉब्लम्स है एडोलेसेंस की प्रॉब्लम है सेक्स एजुकेशन शुरू में गवर्नमेंट ने शुरू किया लोगों ने उसको पीछे किया बट आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अब जैसे आपने मेरे को इंट्रोड्यूस किया था आई वाज लुकिंग आफ्टर जे जे वो मैं बच्चों के उस सेक्शन uh, uh, को देखती थी जहाँ पे बच्चे गुम जाते हैं मगर अभी भी उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं होती उनकी सेहत की जरूरत तो पूरी हो ही नहीं रही सो so, हमको इसके लिए बहुत काम करना है तो so, ये जो सोच लड़के या लड़की की है आई एम हैप्पी सारी दुनिया में इंडिया में हो गया सेक्स डिटेक्शन बंद हो गया लोग इसके लिए आ रहे हैं मगर फिर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो ना हो रहा है जी, जी, जी। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा हमारे सेक्स में फर्क नहीं जी. पड़ा। लेकिन जैसे आपने कहा कि एक ये सब चीजें पूछनी चाहिए तो यहाँ पे मिस्टेक कहाँ है लड़कियों की महिलाओं की या डॉक्टर की फैमिली की सबसे पहले अच्छा फैमिली के सबसे पहले नंबर टू टीचर्स दे हैव टू बी मोटिवेटेड कि ये बातें वो देखें वो छोटे छोटे ट्यूटोरियल बना के राइट फ्रॉम कि भी उस बच्चे का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं अब कभी कभी आपने देखा है कि उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया मैं एक डॉक्टर हूं अगर एक बच्चे ने उसके पीरियड आने के पंद्रह दिन पहले सुसाइड किया तो वो हमारे हॉमंस हैं जो थोड़े उल्टे पुलटे हो जाते हैं उन दिनों में हेड होना डिप्रेशन होना मरने को दिल करना मरने को दिल करना किसी माँ ने नहीं पूछा वो सोचती ये तो लड़की अच्छी नहीं है ये तो बड़ा गुस्सा करती है तो अगर डॉक्टर के पास आई थी तो डॉक्टर पूछेंगे कि ये प्रीमेंसरल सिंड्रोम है इस करके ये बच्चा ये कर रहा है

थोड़े थोड़े कान आगे पीछे पेल्विस में हूं, नीचे हो नीचे वाले और उसमें ब्लड तो इकट्ठा हो जाता है ओवरी में मगर उसको निकलने का कोई एरिया नहीं मिलता तो वहां पे वो एंडोमेट्रियोसिस के छोटे छोटे पैचेस बन जाते हैं वो लड़की उन दिनों में बहुत सफर करती है पीरियड से पहले पेन हो जाती है ड्यूरिंग पीरियड पेन होती है आफ्टर, आफ्टर पीरियड्स पेन होती है और वो जो एंडोमेट्रियोसिस है या ट्यूबोक्लोसिस है वो सारे ऑर्गन्स को डैमेज भी कर देता है और उसी लड़की को शादी के बाद जब बच्चा चाहिए होता है

आपके बॉडी की बेशक माइंड की या बॉडी की कोई भी प्रॉब्लम है फट से डॉक्टर को पढ़ो क्योंकि बॉडी एक छोटी सी इंडिकेशन देती है एक इशारा करती है जी। क्योंकि अगर किसी का हेडेक होता है तो ये एक डिपार्टमेंट है किसी के चक्कर आते हो तो दूसरा डिपार्टमेंट है किसी का दिल ज्यादा धड़कता है तो तीसरा डिपार्टमेंट है फॉर एवरी वर्ड के भी एक डिपार्टमेंट अलग है तो उसको सब डिपार्टमेंट को क्यों ना चेकअप किया जाए मैं तो यूजली यही कहती हूँ कि जिस दिन आपका बर्थडे है या न्यू ईयर है कोई दिन फिक्स कर लो

बहुत बहुत जरूरत है इसको समझेंगे तभी अपना जीवन सफल बनाएंगे जी मैम ये बहुत बड़ी चीज नहीं है हम आमतौर पे किसी ना किसी को कुछ ना कुछ, ना कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं अगर हम किसी का गिफ्ट ऑफ हेल्प दे दें तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं हो सकती जी। तो ये मेरा एक मोमेंट है जो मैंने यहाँ पे शुरू किया और बहुत सिंपल है मैं यूजली अपने मेज पे इस तरह के कार्ड्स रखती हूँ छोटे बड़े और कुछ रिबन रखती हूँ तो ये रिबन जो मैंने ब्लू रिबन दिखाया ये मैं रोज पहन लेती हूँ अब दुनिया में बहुत सारे कैंसर हैं जिनका हमको पता ही नहीं था कि क्यों होते हैं वी वॉन्ट टू फाइट विद द डिजीजेस तो एक कैंसर है जो कि लड़कियों का है सर्वाइकल कैंसर जो कि एक वायरस से होता है अब हम सबको पता लग गया कोविड एक वायरस है और इससे अगर हम इम्यूनाइजेशन कर लें तो शायद होएगा तो ठीक बट इतना भयंकर नहीं होएगा इसी तरह एक ये वायरस होता है जो कि आदमी लोगों से औरत को आता है मैन टू वुमेन आता है उसका नाम है एच वायरस और वो पाँच दस पंद्रह बीस साल लगा देता है औरत के बच्चे दाने के मुंह का कैंसर करने की। अभी तक हमको यही पता था इसलिए हम लड़कियों को नौ से चौदह साल तक कैंसर का टीका दे रहे हैं और अगर शादी से पहले भी लग जाए तब तो सबसे बेहतर बात है बट लोगों को पता ही नहीं था जब पता लगा तो इस टीके को हम 45 से नीचे भी दे सकते हैं मैरिड लेडीज को भी दे सकते हैं मगर मैरिड लेडीज के लिए हम एक वर्ड होता है पैप्समियर पैप्समियर होता है कैंसर टेस्ट जो कि सारी दुनिया में हर साल शादी के तीन साल के बाद हर साल होता है दैट इज फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ सर्वाइकल कैंसर अब पिछले तीन चार महीने तक तो हमारे पास वही टीका था जो हम हमारे पास चार वायरसेस का अवेलेबल था अब एक नया टीका आ गया है जो कि नो वायरसेस का है और वो बॉयज़ को भी लग रहा है और गर्ल्स को भी लग रहा है बाकी एडवांस कंट्रीज में तो पहले ही लग रहा था मगर हम लोगों के पास अवेलेबिलिटी अब हुई है और गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी कुछ हर्डल्स हैं जो कि बॉयज के लिए अभी उन्होंने नहीं रिकमेंड किया मोरवर इतने फाइनेंस गवर्नमेंट के पास भी नहीं कि आप तक वो पहुंच पाए सो so, कम से कम मैं कहती हूँ जो लोग एफोर्ड कर सकते हैं वो तो इस टीके को जरूर लगाएं सो दैट ब्रो रिबन मैं एक रिबन अपने पेशेंट को देती हूँ अगर वो विलेज से आता है तो मैं कहती हूँ अपनी पंच सरपंच प्रिंसिपल टीचर उनको दे के लोग तो है है, मानते हैं और आपको सोचते हैं तो अगर हम ये कह के कि किसी की जान बचा सके तो कितनी अच्छी बात है दूसरा ये पिंक रिबन है दैट इज फॉर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के हर लड़की को हर औरत को नहाने से पहले अपनी ब्रेस्ट को हथेली से पैलपेट करके देखना है थ्रू आउट यूजली कैंसर थर्टी फाइव से अभाव ज्यादा होते हैं मगर जो यंगेस्ट लड़की को हुआ है वो तेईस साल की है इसका मतलब हमारी इन्वायरमेंट्स के में ऐसी चीजें हैं जो कि कैंसर दे रही हैं तो अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे तो उसका इलाज हो जाएगा पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जब थर्ड एंड फोर्थ स्टेज पे पहुंचे होते हैं फिर डॉक्टर के लिए भी दिक्कत है और फैमिली भी बिल्कुल रुल जाती है क्योंकि फॉर कैंसर लॉन्ग ट्रीटमेंट और ये वाला है टू मेक द वर्ल्ड ग्रीन एंड क्लीन अभी तो हम सिर्फ मास्क पहन के चलते थे अब हमको लगता है हमको ऑक्सीजन लेके ना जाना पड़े कि इस चीज को अगर हमको बचाना है तो आप अपने बर्थडे पे बच्चों के बर्थडे पे किसी को याद करते तो प्लांटेशन करते जाओ क्योंकि प्लांटेशन से ही हमको ऑक्सीजन के लिए और हमारी इन्वायरमेंट्स में कुछ बेहतर हम कर पाएंगे ये है हमारा एडोलेसन का अगर हम बच्चों को समझाएंगे बताएंगे तो हम बहुत सी बीमारियां बचा सकते हैं एडोलेसन प्रोग्राम में हमारा सेक्स एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एकदम से चुप्पी धारे सारी दुनिया बैठी हुई है वाई डोंट वी टॉक ओपनली अबाउट इट क्योंकि अगर हम ये बताएंगे तो हम बचाएंगे क्योंकि आई वॉज ए मेंबर ऑफ जे जी बोर्ड एंड आई वॉज सरप्राइज क्योंकि मैंने सारी जिंदगी अपनी लेबर रूम में या ऑपरेशन थिएटर में की थी जब मैं वहाँ पे बैठ के देखती थी चौदह साल के बच्चे ने मर्डर किया हुआ है तेरह साल के बच्चे ने रेप किया हुआ है तो अगर हम बच्चों से ओपनली फ्रेंडशिप करें अपने बच्चे को ओपनली ही सारी बातें बताएं तो वो शायद इस नौबत तक ना पहुंच पाए okay. और ये वाला है सेल्फ डिफेंस आजकल कोई भी सेफ नहीं है क्योंकि हमारे में फॉर एग्जाम्पल अब कोविड हुआ है इतनी चीज़ें हो गई हैं कि लोगों को खाने पीने के लिए भी कई चीज तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा कोई मर्डर्स भी होंगे कुछ मिरेप भी होंगे तो आपको अपने आप को सेल्फ डिफेंस कैसे करें सो दिस ब्लैक रिबन इज फॉर दैट और हमारा फर्स्ट ऑफ डिसम्बर वर्ल्ड ओवर एड्स डे मनाया जाता है हम बताएंगे तो बचाएंगे इसी तरह से hmm. मैंने ये रिबन इसलिए क्या है कि इफ वी टीच आवर चिल्ड्रन इवन जब वो हमारा इशारा समझता है तभी हमको उसको सेक्स के लिए बताना है सो so दैट कोई सेक्स एब्यूज हो ही ना hmm. जो हमारा वाइट रिबन है दिस इज फॉर विमेन एम्पावरमेंट मैं उस औरत को पावरफुल समझती हूँ जो कमाती है जिसके पास अपना बैंक बैलेंस है जो अपने से अपनी मर्जी से अपना खर्च कर सकती है यूजुअली मैंने देखा है कि एक लड़की पापा से पापा पैसे दे दो अपनी लेडी है हस्बैंड पैसे दे दो और माँ को अपना घुटना बदल बदलना है या उसका हार्ट ऑपरेशन होता है तो बेटा ऑपरेट तो हम वाई वी कीपन आस्किंग मनी हम अपने आप अर्न करके क्यों नहीं करते कि हम कहें कि वी आर पावरफुल अदरवाइज वी आर नॉट पावरफुल ये रोज़ मैं तमाशा देखती हूँ हस्पताल में किसी पेशेंट को अगर मेरी पेन अच्छी मेडिसिन लिखता है और वो एक्सपेंसिव है तो जल्दी से अपनी हस्बैंड से पूछती मैं ये ले लूँ कि ना हालांकि वो एम हो सकती है डॉक्टर हो सकती है वो इंजीनियर हो सकती है और हस्बैंड फिर पूछते हैं कैनेडा में टेलीफोन करके कि मेरी वाइफ को ये प्रॉब्लम है मैं इनको दवाई करवा दूँ इनका ऑपरेशन करवा दूँ कि नहीं क्योंकि ये हर चीज मनी पे आके टिक जाती है तो अगर एक लड़की के पास अपनी बैंक है तो उसको है। किसी से पूछने की ज़रूरत देखा गया बच्चे दूर हैं तो हमको इसके लिए कदम लेना है कि हम यूजली उनकी क्या केयर करें क्या उनके पास जाके उनकी सेहत के बारे में पूछें उनका हाल चाल पूछे उनको कोई तकलीफ है तो उनको वक़्त मदद करें और छोटे बच्चों को थोड़ा इंकरेज करें हाउ वी कैन हेल्प यू सो ये है हमारे इंडिया में पीड्रिया डिपार्टमेंट है बट जीरियाटिक डिपार्टमेंट नहीं है सो आई थिंक वी हैव टू इनकरेज ऑल दिस थिंग सो आई लव माई प्रोग्राम मैं रोड पे हूँ प्लेन में हूँ ट्रेन में हूँ ये मेरा प्रोग्राम <laughs> साथ में चलता <laughs> है एंड आई एम हैप्पी यू मी अबाउट बारे में ये पूछना चाहती जैसे आपके पास ये है कई और हॉस्पिटल में भी है मैंने आज फर्स्ट टाइम ये सुना मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों ने भी इसके बारे में पहली बार जानने की कोशिश की होगी ये एक्चुअली तो, मेरे अपनी ही मन की बात है मैं चाहती हूँ अगर आप इसको बड़ा करके अपने वहां पे लगा लो चार लोग तो पढ़ेंगे अगर मैं दस लोगों को बोलती हूँ एक के दिमाग में ये बात आ जाए मैंने एक आप, आप बार तो फेल्ट वेरी कि उन्होंने बहुत बड़ा बोर्ड लगा के ये रिबन लिख के नीचे ये मेरे मैसेजेस लिखे हुए थे सो आई थॉट ये कुछ आपस में बातचीत करते हैं तो हर एक पे तो असर नहीं होएगा जिसके मन में थोड़ा सा भी शौक है सोशल वर्क का वो चाहते हैं हाला कि हालांकि मैं कई लोगों को पूछती हूँ आप क्या काम करते हो कुछ नहीं करते पढ़े लिखे हैं एम ए डबल तो छोटा सा मेरा काम तो कर दो <laughs> ये रिबन तो चला दो सो सो दैट इज पैशन थैंक 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 यू 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 मैम एंड मच अंत समय में सिर्फ एक uh, ये कहना चाहती हूँ जैसे कि आप ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं yes. आपने उसका मैम का मैसेज लिया है उस संस्था में जाते हैं तो आप ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में आपको क्या विशेष बात अच्छी लगी Uh, सबसे प्यारे तो ऑल दीदीज आर वेरी स्वीट बहुत प्यार से सब बोलते हैं और मन से बोलते हैं और जो मेरा ख्याल है कि अगर आपका मैसेज सारी दुनिया में जाए प्यार का मेडिटेशन का अपने को जानने का अपने को पहचानने का हम इस दुनिया में क्यों आए हैं हमारा फर्ज क्या है

क्योंकि बहुत सारा टाइम हमारा काम में लग जाता है हमारा टाइम हमारा है ही नहीं है हमारा टाइम पेशेंस के लिए होता है सो so, मेरा दिन और रात मेरा ख्याल अभी तक उन्हीं के लिए रहा है वो पेशेंस आपको देख yes, के ही ठीक हो जाते yes, होंगे आने तो आ, दिल करता है कि मैं जिसको भी कुछ दे सकती हूँ तो दू आई लव इट जी एंड में आप एक युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं जो उनके जीवन में एक सक्सेसफुल हो Uh, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि बदलते ज़माने के साथ हमारे जो यंगस्टर्स हैं बहुत बदल गए हैं आजकल अगर देखा गया तो उनके पास जो टेलीफोन है उससे भी वो गर्दन उठा के अपने माता पिता को नहीं देखना चाहते फ्रेंड सर्कल में नहीं जाना चाहते हमारे ज़माने में सब कुछ होता था बड़ों की इज्जत थी छोटों से प्यार था आउटडोर गेम्स थी और डेफिनेटली हमारे जो संस्कार थे है ना वो हमारे पेरेंट्स के दिए हुए थे आजकल उनके सारे संस्कार टेलीफोन से जुड़े हुए हैं सो मेरा तो सबके लिए एक ही मैसेज है कि आप जहाँ पे सुबह उठते हो थोड़ा सा टाइम भी अगर आप भगवान के साथ जुड़ो और देखो कि आपको उनसे क्या मिलता है तो आप जिंदगी में कभी गलत नहीं होगे हमेशा ठीक चलोगे और कभी जिंदगी में हमेशा अच्छे और सक्सेसफुली रहोगे और आपका काम है जो मैं आप दिल में सोचती हूँ जैसे मैंने आपसे सुना है रात को सोने वक्त मैं कहती हूँ ये मेरा शरीर ये मेरा गेस्ट हाउस एंड रेस्ट हाउस है ये आई एम ए टेम्प्ररी पर्सन आई गो गोवे तो हम किन चीज़ों को प्यार करते हैं मेरे को तो ये सब चीज़ें मेटीरियलिस्टिक लगती है दिस वर्ल्ड इज़ मोर ऑफ ए ड्रामा एंड वी आर द प्लेयर्स वी आर द एक्टर्स थैंक यू सो मच थैंक यू आपने अपने बारे में अपना कीमती समय देकर जो हमें 20-22 मिनट दिए आपका बहुत बहुत

Om Shanti。Um Sh